17 of PBO. Today we will take preparation properties and uses of chlorine. Preparation. First is preparation of chlorine on a small scale. For this we have two methods. Method one is by heating concentrative HCl with the oxidizing agent like manganese dioxide, lead dioxide, potassium permanganate or potassium dichromate. Reaction is MnO2 plus concentrated HCl. You will get chlorine as a major product and you will get magnesium chloride and water also. The balance reaction is here chlorine 2 plus 2 4, you will put 4 here. Hydrogen 4, so put 2 here. Oxygen 2, oxygen 2. This reaction is balanced. Second method is by heating concentrated sulfuric acid with sodium chloride in presence of manganese dioxide. The reaction is sodium chloride. We put sign of heating here also. Plus sulfuric acid concentrated plus manganese dioxide. Sign of heat, you will get chlorine plus sodium sulfate plus manganese chloride plus 2 moles of water. And then you will balance this question, chlorine plus chlorine. 4 chicken, you will put 4 here. Sodium 4, sodium, you will get 4 by putting 2 here. Chicken, अब बेटा सल्फेट को बैलेंस करना है. सल्फेट अपन के 2, तो यहां पर क्या लगाओगे 2. हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 + 4, यहां पर कितने 2 + 4. ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन देयर आर 2 + 4 6 देयर 2 + 8 + 2 10 देयर आल्सो 8 + 2 10. दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस्ड. ये है बेटा. सो क्लोरीन को कैसे प्रिपेयर करोगे, बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड HCl विद ऑक्सिडाइजिंग एजेंट लाइक दिस. एंड सेकंड मेथड इज बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन ऑन ए लार्ज स्केल. प्रिपरेशन ऑन ए लार्ज स्केल. Large scale preparation is also known as manufacture. Manufacture of chlorine. For this, we have two methods. First method is known as by aqueous process. इसमें क्या करना बेटा आपको, hydrochloric acid gas की form में लेना है और उसकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट एंड हीटिंग एट अप्रोक्सीमेटली 723 केल्विन. एचसीएल गैस की आपको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड एंड यू हैव टू हीट एट 723 केल्विन. यू विल गेट क्लोरीन प्लस 2H2. बैलेंस कर लोगे. Second is by chlor alkali process. ये रेशियो बेटा आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है. इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, ब्राइन. द
brine is salt solution. ठीक है, इसकी आप करते हो इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करते हो इलेक्ट्रोलिसिस means decomposition with the help of electricity. तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन. हाइड्रोजन गैस बनती है बेटा एयर या कोल, क्लोरीन गैस बनती है एयर एनओ. एंथ में आपको डिटेल में इस पर बात की है, बैलेंस कर लोगे, क्लोरीन यहां पर 2 है, यहां पर 2 लगा दोगे, सोडियम 2 है तो यहां पर भी लगा दोगे 2. ठीक है, हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4 यहां पर लगा दोगे 2. क्लियर है, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इस रिएक्शन में क्योंकि क्लोरीन गैस बन रही है और अल्कली बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लियर बेटा, यहां पर आप क्या करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ ब्राइन. ब्राइन का मतलब होता है साल्ट सॉल्यूशन. इसमें हम साल्ट सॉल्यूशन में टू रोल्स लीव करते हैं, वन इज नोन एज एनोड, अदर इज नोन एज कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी. This is known as cathode, this is known as anode. जो positive terminal से जुड़ी होगी anode, that is known as anode. जो negative से जुड़ी होगी उसका बोला जाएगा cathode. ठीक है, जब आप current supply करोगे on passing electricity, कौन कौन से reactions होगी बेटा, following reactions will एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड में कौन सा चार्ज है पॉजिटिव. ठीक है, और इस सॉल्यूशन में बेटा कौन कौन से आयंस हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव. ठीक है, तो जब आप H सप्लाई करोगे नेगेटिव आयंस कहां पर जाना चाहेंगे, एनोड की तरफ, पॉजिटिव आयंस कहां पर जाना चाहेंगे, कैथोड. अब एनोड में बेटा Cl नेगेटिव भी जा सकता है, OH नेगेटिव भी जा सकता है. अब एनोड में होती क्या है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो तो एनोड में जाएगा, दूसरा कहां पर रहेगा, इन सॉल्यूशन. ठीक है, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl नेगेटिव पर ज्यादा होता है एज़ कंपेयर टू OH नेगेटिव, तो इसका मतलब Cl नेगेटिव विल गोस इनटू एनोड, एनोड में जाएगा, वहां पर वो ऑक्सीडेशन शो करेगा एंड इट विल टर्न टू Cl. ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन. एंड यू कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज दिस, क्लोरीन क्लोरीन एटम्स बाइंड करके क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस. एनोड में कौन सी गैस बनेगी बेटा, क्लोरीन गैस. अब बात करते हैं कैथोड की, एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, रिएक्शन. कैथोड पे कौन सी आयंस जाना चाहते हैं, पॉजिटिव आयंस, मतलब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव. अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो तो कैथोड पे जाएगा, उसकी क्या होगी, रिडक्शन. अब हम जानते हैं इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, तो कौन से आयंस कैथोड पे जाएंगे, H पॉजिटिव. H पॉजिटिव आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन. ठीक है, ये तो होता है प्राइमरी चेन, और सेकेंडरी चेन कैसा होगा बेटा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H2. यहां पर क्या हुआ है, H प्लस H क्या बन गया है, H2. तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पे, और पहले केस में OH नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में रहे थे और सेकंड केस में Na पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में रहे थे. तो सॉल्यूशन में कौन-कौन से आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दिस आयंस विल रिमेन इन सॉल्यूशन. सो ओवरऑल रिएक्शन विल फॉर्म क्लोरीन एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिमेन इन द सॉल्यूशन.
कंप्लीट रेशियो बेटा आपको मिलने वाली है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का अगर आप एनालिसिस करते हो तो यू विल गेट क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट मैटर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड फॉर लार्ज स्केल इक्वेशन ऑफ क्लोरीन Fe4 hydrogen
हाइड्रोजन या कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है HCl ठीक है इट मींस क्लोरीन हैज ग्रेट लव फॉर द हाइड्रोजन एफिनिटी मींस लव क्लियर है क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाती है या कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाएगी बेटा HCl जैसे H2CO2 forms HCl H2S इसमें हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्लोरीन क्या बना देगी HCl plus सल्फर ठीक है थर्ड इज रिएक्शन विद अमोनिया ठीक है फर्स्ट केस है जब आप क्लोरीन को एक्सेस ऑफ अमोनियम सल्फेट करते हो यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन ठीक है बैलेंस कर लेते हैं बैलेंस्ड है 3 प्लस 6 क्लोरीन कितने 6 हाइड्रोजन 8 से 24 6 से 24 नाइट्रोजन 8 6 प्लस 2 8 ठीक है अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लेते हो अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लेते हो एस कंपेयर टू अमोनिया यू विल गेट हाइड्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन ट्राइक्लोराइड इज यूज्ड एज ए एक्सप्लोसिव ठीक है बैलेंस कर लो ये बेटा आप इस रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं बेटा क्लोरीन 3 प्लस 6 तो यहां 3 क्वाड्रेंट हो चुकी है यहां पे डाल दो कि 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लियर है तो क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनियम सल्फेट करके क्या बनाती है अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस और अगर क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है यू विल गेट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड HCl Fourth is reaction with cold and dilute solution of NaOH. अगर आप क्लोरीन को बेटा cold and dilute solution of NaOH के साथ ट्रीट करते हो, you will get sodium chloride. सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड वाटर बैलेंस कर लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को यहां पर आप क्या लगा दोगे क्लोरीन 2 है यहां पर क्लोरीन 2 ठीक है सोडियम 2 है यहां पर क्या लगा दोगे 2 ठीक है ऑक्सीजन 2 1 plus 1 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 मींस दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आप क्लोरीन को कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में NaOH सल्फेट करते हो यू विल गेट सोडियम क्लोराइड दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस वाटर ठीक है फिफ्थ इज रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन अगर आप क्लोरीन को हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट्स कौन-कौन से बनते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ये है सोडियम क्लोराइड पहले कर लेंगे बेटा ठीक है सोडियम 6 5 plus 1 6 हाइड्रोजन 6 है यहां पर तो यहां पर आप क्या लगा देंगे 3 ऑक्सीजन 3 plus 3 6 यहां पर कितने 6 क्लियर है बेटा तो दीस टू आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर आप क्लोरीन को हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH सल्फेट करते हो तो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर क्लियर है अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं उस केस में बेटा एक प्रोडक्ट चेंज हो जाता है यू विल गेट सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर
क्लियर है। इस केस में तो बट बनता है NaOCl, इस केस में बट क्या बनता है बेटा NaClO3। क्लियर है। दीस टू आर इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिक्स्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड कैपिटल इक्वेशन कितनी है आयोडीन
reaction with chlorine water to form iodic acid. So हम लोग क्या होता है HIO3 ठीक है और साथ में क्या बनेगा बेटा HCl पहले सब लोगे iodine 2 है यहाँ पर क्या लगा दोगे ठीक है क्लोरीन कितने हो गए बेटा यहाँ पर 2 है ठीक है पहले सब लगे ऑक्सीजन 3+6 तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 6 हाइड्रोजन कितने हो गए 6 × 12 करने के लिए बेटा यहाँ पर तो हाइड्रोजन क्या भी क्या लगा देंगे 10 ठीक है HCl कितने होंगे 10 होंगे क्लोरीन यहाँ पर कितने 10 यहाँ पर कितने 2 तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 5 तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी बेटा I2+5Cl2+6H2 forms 2 moles of iodic acid plus 10 moles of HCl this will be the complete balanced equation ठीक है अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जब सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन वाटर किसमें ऑक्सीडाइज करता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कौन सी होगी बेटा SO2 प्लस क्लोरीन वाटर फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl बैलेंस कर लेंगे बेटा ठीक है यहां पर क्लोरीन है 2 और यहां पर क्या लगा दोगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे 2+4 यहाँ पर क्या लगा दोगे 2 ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन वाटर किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बेटा थर्ड रिएक्शन इज सोडियम सल्फाइड टू सोडियम सल्फेट इनको हम कर दोगे सोडियम सल्फाइड मिक्स विद क्लोरीन वाटर टू फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस HCl बैलेंस कर लेंगे बेटा रिएक्शन सोडियम 2 ठीक है क्लोरीन यहां पर कितने हैं 2 है तो यहां पर क्या लगा दोगे 2 हाइड्रोजन कितने होंगे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3+1 4 यहां पर कितने 4 दिस इज बैलेंस्ड केमिकल क्लियर क्लोरीन वाटर क्या करता है सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है ठीक है थ्री रिएक्शन हम कर चुके हैं फोर्थ रिएक्शन है बेटा क्लोरीन मिक्स विद एसिडिफाइड Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव बैलेंस करते हैं बेटा दिस इज एसिडिफाइड Fe2 पॉजिटिव तो यहां पर क्या करते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव देते हैं ठीक है और ये क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके इससे क्या बनता है Fe3 पॉजिटिव में एंड यू विल गेट HCl ठीक है बेटा ये रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते हैं क्लोरीन कितने हैं 2 यहां पर आप 2 लगा दोगे हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहां पर क्या लगाओगे 2 अब आप इस आयोनिक इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस करोगे यहां पर चार्ज कितना है 2+2 4 यहाँ पर कितना है 3 ठीक है तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर तो लगा दोगे 2 तो चार्ज कितना हो जाएगा 3+6 ठीक है और यहाँ पर क्या लगा दोगे अगेन 2 तो 2+4 4+2 6 ये है तो चार्ज भी यहाँ पर क्या हो गया बेटा बैलेंस तो क्लोरीन वाटर क्या करता है एसिडिफाइड Fe2 पॉजिटिव को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू Fe3 पॉजिटिव ठीक है लास्ट क्वेश्चन है H2S mixed with chlorine water to form sulfur and HCl ठीक है बैलेंस कर लोगे बेटा क्लोरीन 2 है यहां पर लगा दोगे दिस इज बैलेंस्ड सॉल्यूशन बेटा फोर्थ रिएक्शन में और फिफ्थ रिएक्शन में हम क्लोरीन वाटर ही यूज कर रहे हैं ठीक है अगर हमने वाटर को पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया आप यहाँ पर क्लोरीन के बाद Cl2 एक्वस भी कर सकते हो मैंने Cl2 एक्वस को ऐसे लिख दिया क्लोरीन वन क्लियर है बाकी पहली तीन रिएक्शंस में तो हमने Cl2 + H2 क्लियर था क्योंकि वहां पर ओवरऑल रिएक्शन में
H2O participate कर रहा था, मतलब इन reactions में H2O participate नहीं कर रहा है in the coagulation, ठीक है? Actual में हम chlorine water नहीं use कर रहे हैं, ये ऐसे reactions में, chlorine water क्या करता है, oxidize करता है reaction with tri-slate lime. Chlorine को अगर आप tri-slate lime के साथ treat करोगे, you will get bleaching powder. ये reaction बेटा 10th class से पढ़ते हैं आप, ठीक है? This is tri-slate lime. अगर आप ड्राई स्लेट लाइम को क्लोरीन से ट्रीट करते हो, यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नोन एज ब्लीचिंग पाउडर एंड यू विल गेट वाटर आल्सो. अब बेटा एक्चुअल रिएक्शन देखो क्या होती है, ये तो 10th लेवल पे आपको समझा देते हैं. एक्चुअल रिएक्शन देखो ऐसे होती है, ड्राई स्लेट लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म CaOCl plus CaCl2 plus 2H2. ये रेशियो होती है, इसको जो बैलेंस करते हैं तो यहां पर देखो आता है, यहां पर भी आता है, ठीक है? इसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है? और साथ में क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर. This complete is known as bleaching powder. This complete is known as bleaching powder. बेटा bleaching powder की जो actual composition होती है, bleaching powder की actual composition होती है, that is actual composition of bleaching powder. That is Ca. OCl twice, that is known as calcium hypochlorite, dot CaCl2, dot CaOH twice, dot 2H2. This is the actual composition of bleaching powder. Clear है? अब हम इस composition को सिर्फ इस formula में देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है? आपको पता है कि इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर. तो देखो हम क्या करते हैं, ये ले लिया CaOCl तो इस ये ले लिया हमने CaCl2, इसको आप ऐसे ले सकते हैं Ca2 पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव प्लस OCl नेगेटिव. इसमें कौन कौन से आयंस बनेंगे, Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब यहां पर कैल्शियम टू पॉजिटिव जो है तो OCl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है. सिमिलरली यहां पर भी कैल्शियम टू पॉजिटिव जो है तो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं बेटा, इस कंप्लीट को ऐसे ले सकते हैं कि एक कैल्शियम टू पॉजिटिव जो है एक इस आयन से कंबाइन कर रहा है और एक इस आयन से कंबाइन कर रहा है, तो की हर एक कैल्शियम टू पॉजिटिव जो है बेटा दो OCl नेगेटिव और दो Cl नेगेटिव तक कंबाइन करता है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईच Ca2 पॉजिटिव कंबाइंस विद वन OCl नेगेटिव एंड वन Cl नेगेटिव. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, कि ईच कैल्शियम टू पॉजिटिव कंबाइंस विद वन OCl नेगेटिव एंड वन Cl नेगेटिव. तो इसको आप कंबाइन कर दोगे, यू विल गेट Ca CN2. तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. एक्चुअल कंपोजिशन ब्लीचिंग पाउडर की ये है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि CaOH ट्वाइस कहां से आया है, दिस कम्स फ्रॉम अनरिएक्टेड स्लेग लाइम. क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर में कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड लाइम भी होता है. एक्चुअल कंपोजिशन ब्लीचिंग पाउडर की बेटा ये होती है, 10th क्लास में सिर्फ हम सिंपल सी रिएक्शन कर देते थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वन. 10th क्लास में रिएक्शन बताते थे, क्लियर है? अब आपको मैंने एक्चुअल रिएक्शन बताई है,
ये होती है इस रिएक्शन से हम ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं जब वो बता दो ठीक है बेटा सो दीस आर सम ऑफ दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन अब और आप क्या करते हैं बेटा यूजेस ऑफ क्लोरीन तो पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है बेटा इट इज यूज टू प्रिपेयर poisonous gases like tear gas इसका मतलब होता है CCl3 and O2 एक poisonous gas में होती है बेटा फोजिन मतलब होता है COCl2 फोजिन COCl2 और tear gas CCl3 and O2 it is and uses of HCl hydrochloric acid clear beta